नमस्कार साथियों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 8th के लिए जो NMS एग्ज़ाम जो होती है, नेशनल मेरिट कम स्कॉलरशिप, उससे संबंधित साइंस के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम आज की वीडियो में देखने वाले हैं। तो देखिए, ये सभी क्वेश्चन आपकी एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले क्वेश्चन है, संवेदी अंग कितने होते हैं? तो साथियों, जो संवेदी अंग होते हैं 5, और वो कौन कौन से होते हैं, यानी कि हमारी ज्ञानेंद्रिय अंग की बात की जा रही है। तो आँख, नाक, जीभ, त्वचा और कान, ये हमारे ज्ञानेंद्रिय अंग हैं। तो हमारे जो क्वेश्चन या सीक्वेंस से चलेंगे, तो आँख, नाक, जीभ और कान और त्वचा, ये हमारे ज्ञानेंद्रिय अंग हैं। इसके बाद शरीर में रक्त की कमी से होने वाला रोग है, तो रक्त की कमी से एनीमिया रोग हो जाता है, याद रखना, रक्त की कमी से एनीमिया रोग, कौन सा रोग, एनीमिया। सूर्य की किरणों से प्राप्त होने वाले विटामिन का नाम है, तो विटामिन डी हमें लाइट से प्राप्त होता है। गाजर में कौन सा विटामिन पाया जाता है, विटामिन ए पाया जाता है, और इसकी कमी से रतौंधी रोग होता है, याद रखना। रुधिर का थक्का जमने में कौन सा विटामिन सहायक है, तो विटामिन जो के है वो रुधिर का थक्का जमने में सहायक है, विटामिन के, याद रखना है। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है, तो आंवला, आंवला है विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत। और विटामिन सी की कमी से हो जाता है कौन सा रोग, स्कर्वी, ये भी याद रखना है, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी, याद रखना है, विटामिन सी की कमी से। ओके, अगला क्वेश्चन है, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, तो विटामिन ए की कमी से होता है रतौंधी रोग, कौन सा रोग, रतौंधी, ये भी याद रखना है। स्कर्वी नामक रोग किस विटामिन की कमी से होता है, तो ये विटामिन सी की कमी से होता है, अभी जस्ट आपको बताया यहाँ पे, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो विटामिन डी की कमी से होता है रिकेट्स, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स। अगले क्वेश्चन है हमारे, वो है 11वां क्वेश्चन, देखिए, विटामिन बी की कमी से होने वाले रोग का नाम बताइए, तो विटामिन बी की कमी से होता है बेरी बेरी। और जल में घुलनशील विटामिन के नाम बताइए, तो देखिए, जो जल में जो घुलनशील विटामिन है वो है बी और सी, बी और सी जल में घुलनशील है, जबकि वसा के अंदर ए, डी, ई, के, ये वसा के अंदर विलेय हैं। सबसे अधिक प्रोटीन किसमें पाया जाता है, तो ये पाया जाता है दालों में, और अगर पूछा जाएगी सबसे ज़्यादा दाल के अंदर भी, तो आपको बताना है सोयाबीन, सबसे ज़्यादा प्रोटीन किसके अंदर है, सोयाबीन के अंदर, ये भी याद रखना है। अगला है, शरीर में प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग है, तो क्वाशियोकोर रोग होता है प्रोटीन की कमी से। मेरे रोग किस पोषक तत्व की कमी से, तो ये होता है प्रोटीन और कैलोरी की कमी से, क्वाशियोकोर और मेरेस्मस दो रोग हो जाते हैं। खाने में कौन सा नमक का प्रयोग करना चाहिए, तो आयोडीन युक्त नमक, इसकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है, गलगंड या घेंघा का रोग हो जाता है। पागल कुत्ते के काटने से शरीर में कौन सा होता है, रेबीज होता है, और उस वायरस का नाम है रेबडो वायरस, पागल कुत्ते के काटने से रेबीज रेबडो वायरस के कारण होता है। मलेरिया किस जीव द्वारा फैलता है, तो मादा एनोफिलीज मच्छर इसकी लार के अंदर, मादा एनोफिलीज मच्छर की लार के अंदर प्लाज्मोडियम पाया जाता है, जो कि मलेरिया का कारक होता है। और ये जो मादा एनोफिलीज मच्छर है, मलेरिया के वाहक होते हैं, मतलब इस बीमारी को एक जगह से दूसरे जगह तक ले जाते हैं, ठीक है। घरेलू मक्खी द्वारा शरीर में होने वाला जो रोग है वो है हैजा, हैजा जो होता है विब्रियो कोलेरी नामक जीवाणु का कारण होता है हैजा। नेक्स्ट है साथियों, पैचिस यानी डिसेंट्री रोग किस परजीवी के कारण होता है, तो ये एंट अमीबा हिस्टोलिका के कारण होता है, डिसेंट्री, पैचिस, अमीबी, पैचिस भी कहते हैं इसको। हेजा और पैचिस रोगी को क्या देना चाहिए, इनको ORS ओरल रिहाइड्रेशन जो साल्ट है उसका गोल देना चाहिए। नेक्स्ट है, जीवधारियों की सबसे छोटी इकाई है, तो कोशिका सजीव की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है, सबसे छोटी इकाई है। कोशिका की खोज सबसे पहले किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने की थी, और कब की थी, 1665 ईस्वी में की थी, ये भी याद रखना है आपको। मनुष्य के शरीर में कुल हड्डियां कितनी है, 206 हड्डियां हैं टोटल मनुष्य के शरीर में। शिशुओं में कितनी हड्डियां होती है, तो शिशुओं में 300 हड्डियां होती है, लेकिन जब शिशु जैसे बड़ा होता है तो हड्डियां जुड़ती रहती है, तो 206 रह जाती है वयस्क के अंदर, 206। वयस्क मेरुदंड यानी कि जो वर्टिब्रेट्स होते होती है हमारी रीढ़ की हड्डी, उसमें 33 वर्टिब्रेट्स होते हैं, याद रखना, 33 वर्टिब्रेट। और मनुष्य की जो खोपड़ी है उसमें कुल हड्डियाँ कितनी होती है, उसमें 28 हड्डियाँ होती हैं, इसे आपको याद रखना, चेहरे के अंदर होती है, चेहरे में होती है 14, कितनी होती है, 14। और जो स्कल जो है कपाल, उसके अंदर होती है 8, तो 14 और 8 कितनी हुई, 22। इसके बाद जो हड्डियाँ हैं, मेलियस, इनकस और स्टेप्स, ये तीनों
हमारे कान की होती है, तो तीन इधर की और तीन इधर की, तो यानी कि 22 + 6 यानी कि बराबर हो गया आपका 28। नेक्स्ट है, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी हड्डी का नाम बताइए। तो ये जांघ की हड्डी है, इसका नाम है फीमर। कोहनी और घुटनों में कौन सी संधि पाई जाती है, इसको कब्जा संधि कहते हैं या इसको हिंज संधि भी कहते हैं, याद रखना कौन सी संधि, हिंज, ठीक है, इसको कब्जा संधि या हिंज संधि कहते हैं, याद रखना। इसका नाम थोड़ा अटपटा है लेकिन हिंज याद रखना है, कौन सी संधि, हिंज, कौन सी संधि, हिंज, और एक ही तरफ मुड़ता है इससे अपना जो हाथ है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, मनुष्य के श्वसन के दौरान कौन सी गैस का उपयोग होता है, तो हम रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन गैस लेते हैं, और कौन सी गैस छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, और कुल कितने दांत हैं हमारे, वो हैं 32, और दंत सूत्र है 2123/2123, ये हमारा दंत सूत्र है। और कौन सा अंग सोचने का कार्य करता है, मस्तिष्क हमारा सोचने का कार्य करता है। एक वयस्क मनुष्य की सबसे छोटी छोटी आंत जो होती है उसकी लंबाई 6 से 7 मीटर होती है, और ये जो है मुख गुहा से शुरू होकर एनस पर ख़त्म होती है, और इसमें सबसे छोटी जो है हमारी सबसे पतली छोटी आंत होती है, और जो हमारा आहार नाल जो है एलिमेंट्री के नाल मुख गुहा से लेके एनस तक, और इसमें सबसे जो लंबा पार्ट है वो हमारी छोटी आंत है। अगला है, शरीर का तापमान किस यंत्र से मापते हैं, तो ये थर्मामीटर द्वारा नापा जाता है। स्वस्थ मनुष्य का तापमान सेल्सियस में होता है 37 डिग्री सेल्सियस, और फोरनहाइट में होता है 98.6 फोरनहाइट, जस्ट नीचे ही क्वेश्चन दे दिया है। अगला है, रक्त में ऑक्सीजन के परिवहन के लिए पाया जाने वाला तत्व तो हीमोग्लोबिन जो होता है, इसी कारण रक्त का रंग लाल होता है। हीमोग्लोबिन रक्त की किन कणिकाओं में पाया जाता है, ये RBC में पाया जाता है, यानी कि लाल रक्त कणिकाओं में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, और इसके कारण रक्त का रंग लाल होता है। अगला क्वेश्चन है, मरे हुए जीवों के शरीर का विघटन करने वाले जीवाणु, इनको क्या कहते हैं, जीवों को अपघटनकर्ता, डिकम्पोजर कहते हैं, बैक्टीरिया वगैरह फंगस इनको डिकम्पोज कर देते हैं, सड़े गले जीवों को। और हमारा जो हृदय है 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है, 72 बार हार्ट बीट। मनुष्य के शरीर में कितने प्रतिशत जल होता है, 60 से 70% जल होता है, और अगर प्लांट की पूछा जाए तो प्लांट के अंदर 85% पानी होता है उनकी सेल के अंदर। जल तथा स्थल दोनों जगह रहने वाले जीव कहलाते हैं उभयचर, इसके अंदर आते हैं मेंढक, और किसी उभयचर प्राणी का नाम मेंढक है। और किस जानवर को रेगिस्तान का जहाज, तो ये ऊँट को रेगिस्तान का जहाज कहते हैं, क्योंकि ये रेगिस्तान के अनुकूल है, इसकी टांगे लंबी होती है, कुबड़ में वसा होती है, और इसके जो है शरीर लंबे टाइम तक ये बिना पानी के रह सकता है, इसी कारण इसको रेगिस्तान का जहाज कहते हैं। समुद्र में पाया जाने वाला सबसे बड़ा जीव क्या है, तो सबसे बड़ा जीव है ब्लू व्हेल। अगर आपको पूछा जाए कि स्थलीय जीव सबसे बड़ा क्या है, तो वो है आपका हाथी, और पूरा संसार का पूछा है तो वो व्हेल मछली है, क्योंकि ये समुद्र में पाई जाती है। सूक्ष्मदर्शी को देखने के लिए किस यंत्र का उपयोग करते हैं, माइक्रोस्कोप, यानी कि सूक्ष्मदर्शी का उपयोग करते हैं। मांसपेशियों द्वारा लगाए गए बल को पेशी बल कहते हैं, और शरीर में प्रोटीन के अनुपयोगी पदार्थ से, यानी कि प्रोटीन का जब विघटन होगा तो क्या बनेगा, यूरिया बनेगा, यूरिया निकलता है अनुपयोगी पदार्थ हमारी बॉडी के अंदर। और पेड़ पौधों में श्वसन हेतु तो मुख्यतः पत्ती के छोटे छोटे छिद्र को क्या कहते हैं, स्टोमेटा कहते हैं। और बीज के किस भाग से जड़ प्राप्त होती है, तो मूलांकुर से जड़ प्राप्त होती है, जड़ बनती है। और वनस्पति जनक के पिता कौन है, थ्रियोफ्रेस्टस, जबकि जंतु जगत के पिता है अरस्तु, ये याद रखना है। किसी मरुस्थली पौधे का नाम, तो नागफनी है, कैक्टस है, ये मरुस्थली पौधे हैं, कांटेदार पत्तियां होती हैं इनकी। प्राकृतिक जल का सबसे बड़ा स्रोत है समुद्र, क्योंकि समुद्री जल ही वाष्पीकृत होकर बारिश के जल के रूप में गिरता है। ओजोन परत में छिद्र का कारण क्या है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इसको शॉर्टली अपन CFC भी लिखते हैं। मलेरिया की दवाई में किस पौधे से बनाई जाती है, सिनकोने की छाल से बनाई जाती है, सिनकोना से मलेरिया की दवाई बनाई जाती है। रेशम कीट के पालन को कहते हैं सेरीकल्चर, जबकि मधुमक्खी पालन कहलाता है एपीकल्चर। रेशम के कीट को किस पेड़ पर पाला जाता है, शहतूत की पत्ती मलबेरी लीव्स पर पाला जाता है। पेनिसिलिन किससे प्राप्त की, ये फफून से, और उस फफून का नाम है पेनिसिलिन नोटेटम, और पेनिसिलिन नोटेटम नामक उससे प्राप्त की थी इसको, पेनिसिलिन नोटेटम से, याद रखना। और कब कब निकाली थी इसको, इसको 1928 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, ओके, फर्स्ट एंटीबायोटिक थी ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाने के पदार्थ में सड़ने से बचाने के लिए
परिरक्षक के रूप में सोडियम बेंजोएट का यूज करते हैं। सूक्ष्म जीवों से लगातार परिवर्तन द्वारा जटिल जीवों की विकास की क्रिया कहलाती है जैव विकास। और पत्तियों में भोजन किस रूप में जमा होता है? स्टार्च के रूप में या मंडी के रूप में। अपना भोजन स्वयं बनाने वाले हरे पौधे क्या कहलाते हैं? स्वपोषी ऑटोट्रॉप्स। और दूसरे जीवों के शरीर से बाहर या भीतर रखकर भोजन प्राप्त करने वाले जीव कहलाते हैं परजीवी। जैसे एंट अमीबा हिस्टोलिका अंतः परजीवी हैं। अमरबेल जो है पौधा वो भी परजीवी का उदाहरण है। पौधों में पानी ले जाने वाली नलियाँ कहलाती जाइलम, और जो भोजन ले जाती है पौधों में उन नलियों को कहते हैं फ्लोएम। किसी एक परजीवी पौधे का नाम अमरबेल है। और पुष्प का नर भाग कैंसर कहलाता है जबकि मादा भाग पुष्प का जायंग कहलाता है। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इनको भी नोट कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वसन के दौरान मनुष्य में कौन सी गैस का उपयोग होता है? ऑक्सीजन का उपयोग होता है। और कौन सी गैस छोड़ी जाती है? कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ी जाती है। पोषण, श्वसन, उत्सर्जन, परिसंचरण, परिवहन, ये सब क्या है? जैव प्रक्रम है, जैविक क्रियाएँ। जैव विकास के कितने सिद्धांत हैं? दो सिद्धांत हैं। और जैव विकास के सिद्धांत के नाम हैं लेमार्कवाद और डार्विनवाद, स्वतः जननवाद और जीवोत्पत्तिवाद। प्राकृतिक चयनवाद का सिद्धांत किसने दिया था? यह डार्विन ने दिया था, इसलिए डार्विनवाद कहते हैं। मिट्टी कितने प्रकार की होती है? मिट्टी तीन प्रकार की होती है, बलुई मिट्टी, दोमट मिट्टी और चिकनी मिट्टी। बलुई मिट्टी, दोमट मिट्टी और चिकनी मिट्टी, ये मिट्टी के प्रकार हैं, इनको भी आपको याद रखना है। पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर पूरा करने में 365 दिन और 6 घंटे लगाती है, यानी 365 सही 1/4 दिन लगाती है, इसको याद रखना। 365 सही 1/4 डे, यानी कि इतना टाइम लगाती है सूर्य का एक चक्कर पूरा करने में। और पृथ्वी अपनी दूरी पर किस ओर घूम रही है? तो पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही है, याद रखना। पश्चिम यानी कि वेस्ट से ईस्ट की ओर घूम रही है अर्थ। अगला क्वेश्चन है, अपनी दूरी पर एक चक्कर 24 घंटे में लगाती है पृथ्वी, ये याद रखना। अपनी दूरी पर मतलब इसीलिए एक दिन रात होने में 24 घंटे लगते हैं। सौरमंडल का नौवां ग्रह किसको माना है? यम को। और यम ग्रह को अब किस श्रेणी में रखा है? बोना ग्रह। अब इसको ग्रह की श्रेणी से हटा दिया है। पृथ्वी के एकमात्र उपग्रह है जो कि उसका नाम है चंद्रमा, ये प्राकृतिक उपग्रह है पृथ्वी का। सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा हुआ? बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है। और सूर्य के सबसे निकट कौन सा ग्रह है? बुध। सबसे निकट और सबसे छोटा ग्रह भी बुध ही है, याद रखना। किस ग्रह के चारों ओर वलय पाई जाती है, यानी कि शनि ग्रह के चारों ओर इस तरह की वलय पाई जाती है, इस तरह की, ठीक है, नीले रंग की। पत्तियों का रंग हरा किसके कारण होता है? क्लोरोफिल वर्ण के कारण पत्तियों का रंग हरा होता है। जैसे ब्लड का रंग लाल क्यों होता है? हीमोग्लोबिन के कारण। रात में पेड़ के नीचे क्यों नहीं सोना चाहिए? क्योंकि रात्रि में केवल वो क्या करेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ेंगे, यानी कि रात्रि में केवल वो श्वसन करते हैं, रात्रि में प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है। पौधे श्वसन क्रिया में कौन सी गैस छोड़ लेते हैं? ऑक्सीजन। तो पौधे भी ऑक्सीजन ही लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, लेकिन प्रकाश संश्लेषण में वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं जबकि ऑक्सीजन छोड़ते हैं। और प्रकाश संश्लेषण केवल दिन में होता है जबकि श्वसन दिन और रात दोनों टाइम होता है। पौधे अपना भोजन कैसे बनाते हैं? तो ये सूर्य के प्रकाश, जल और कार्बन डाइऑक्साइड और क्लोरोफिल की उपस्थिति में फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा अपना भोजन बनाते हैं कार्बोहाइड्रेट के रूप में। पेड़ पौधे द्वारा भोजन बनाने की प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। पौधे प्रकाश संश्लेषण क्रिया में कौन सी गैस बाहर निकालते हैं? ऑक्सीजन छोड़ते हैं, यही ऑक्सीजन हमारे जीवन का आधार बनती है। कौन सा पुष्प सूर्य के साथ अपनी दिशा बदलता है? तो सूरजमुखी, इसीलिए इसका नाम सूरजमुखी है। बीज के बाहरी आवरण को बीज चोल कहा जाता है। और वर्ष तथा बहता हुआ पानी से होने वाले मृदा अपरदन को रोकने में सहायक है घास, झाड़ी और पौधे, ये सोयल इरोजन को रोकते हैं। पहाड़ों पर मिट्टी का अपरदन रोकने के लिए सीढ़ीदार खेत बनाए जाते हैं। वातावरण में कौन सी गैस सबसे ज़्यादा है? तो नाइट्रोजन गैस 78% सबसे ज़्यादा है। वातावरण में ऑक्सीजन गैस का प्रतिशत है 21%, ऑक्सीजन है। और किसी कीट बक्षी पौधे का नाम बताइए? वीनस फ्लाई है, कीट बक्षी पौधा वीनस फ्लाई ट्रैप, ये कीट बक्षी पादप हैं, यानी कि कीड़ों को खाने वाले, यानी कि कीट बक्षी पादप। ओके, नेक्स्ट जो है हमारे क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं। चार पदार्थों के नाम बताइए जो जल में मिले हैं, जैसे चीनी भी नमक है, फिटकरी है, तूतिया, यानी कि यहाँ पे कॉपर सल्फेट की बात की गई है, नीला तोता। पदार्थ को जलाने में कौन सी गैस सहायक है? ऑक्सीजन। खुद नहीं जलती लेकिन जलाने में सहायक है। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? तो साथियों यहाँ पे प्रोटॉन की खोज यहाँ पे गोल्डस्टीन ने की थी, आप सही कर लेना इसको। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? गोल्डस्टीन ने। ओके,
प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने की थी, इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की थी, और न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने की थी। ठोस पदार्थ को गर्म करने पर बिना द्रव में बदले सीधे वाष्प में बदलना, इसको कहते हैं ऊर्ध्वपातन। इसको क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन, ये याद रखना, ऊर्ध्वपातन कहते हैं, यानी कि सब्लिमेशन कहते हैं, ऊर्ध्वपातन है यहाँ पे, इसको आप सही कर लेना, पातन है, पालन नहीं है। ओके, वायु क्या है? एक समांगी मिश्रण है। श्वसन और दहन के लिए क्या आवश्यक है? ऑक्सीजन जरूरी है। सोडियम का प्रतीक क्या है? Na। और सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या है? H2SO4। सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या है? H2SO4। अगला क्वेश्चन, पदार्थ की कितनी अवस्था होती है? तीन अवस्था होती है, कौन कौन सी होती है? ठोस और द्रव और गैस। ठोस, द्रव और गैस, ये पदार्थ की तीन अवस्थाएं हैं। नाम बताइए, ठोस, द्रव और गैस हो गया। बर्फ का तापमान कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस। अग्निशमक यंत्र में कौन सी गैस निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड, ये बुझाती है। और शुष्क बर्फ किसे कहते हैं? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कहते हैं? शुष्क बर्फ कहते हैं, ड्राई आइस कहते हैं। आवेश दो प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के? दो प्रकार के, एक तो धन आवेश और ऋणावेश। दूध को किस विधि द्वारा संरक्षित किया जाता है? पाश्चुरीकरण, यानी कि 70 डिग्री सेल्सियस पर 10 से 15 से 20 सेकंड के लिए दूध को गर्म करके वापस ठंडा कर दिया जाता है। और ये सिद्धांत दिया था लुई पाश्चर ने। किसने दिया था? लुई पाश्चर ने पाश्चुराइजेशन का सिद्धांत दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिजली के बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? आर्गन भरी जाती है, याद रखना। और एक ही प्रकार के परमाणु से बने पदार्थ कहलाते हैं तत्व, जैसे हीलियम है, नाइट्रोजन है, आयरन है, ये सब तत्व के एग्जाम्पल है। कार्बन भी एक प्रकार का तत्व है। कार्बन का प्रतीक क्या है? तो कार्बन का प्रतीक है सी। कार्बन लेटिन में किस शब्द से बना है? कार्बो से बना है। ऑर्गेनिक पदार्थ, कार्बो का अर्थ है कोयला, यानी कि कोयले के अंदर कार्बन होता है। कार्बन के तीन अपर रूप है, हीरा, ग्रेफाइट और फुलरिन, ये भी यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है। और तत्व के विभिन्न रूप हैं, जिनमें रासायनिक गुण तो एक जैसे होते हैं, भौतिक गुण अलग होते हैं, उन्हें कहते हैं अपर रूप। क्या कहते हैं? अपर रूप। ओके, जंतु हड्डियों में बनने वाला चारकोल क्या है? तो जंतु चारकोल है। और चीनी का C12H22O11, ये शुगर का फॉर्मूला है। ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6 है, ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है। C6H12O6 ये किसका फॉर्मूला है? ग्लूकोज का। अगला, चीनी की गंधक के अम्ल से क्रिया करने पर क्या बनेगा? शुगर चारकोल। ग्रेफाइट ग्रीक भाषा के किस शब्द से बना है? ग्रेफो से। किससे बना है? ग्रेफो से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेफो का क्या अर्थ है? लिखना। और पेंसिल, लिखने वाली लेड किसकी बनी होती है? ग्रेफाइट की बनी होती है। संसार का सबसे कठोर पदार्थ है हीरा, इससे कांच को काटा जा सकता है। कार्बन और हाइड्रोजन के मुख्य रूप से बने यौगिक कहलाता है हाइड्रोकार्बन, जैसे मेथेन, एथेन, प्रोपेन। आपकी जो LPG गैस है वो ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण है। सबसे सरल हाइड्रोकार्बन है मेथेन, इसका फॉर्मूला क्या है? मेथेन का फॉर्मूला है CH4। इसको दलदली या मार्श गैस भी कहते हैं, मेथेन को। प्रयोगशाला में बनने वाला सबसे पहला कार्बनिक यौगिक है यूरिया, और इस यूरिया का फॉर्मूला है NH2CO NH2। यूरिया का फॉर्मूला क्या है? NH2CO NH2, या ऐसे भी लिख सकते हैं NH2 और कोष्टक के अंदर NH2 कोष्टक के अंदर डाई कर सकते हैं, और NH2 और ये कोष्टक के अंदर इसको डाई करके CO कर दो, तो ये बन जाएगा, क्या बन जाएगा? यूरिया। कोयला, पेट्रोल और डीजल किस प्रकार के ईंधन है? जीवाश्म ईंधन है। किस प्रकार के ईंधन है? जीवाश्म ईंधन। अगला, द्रव सोना किसे कहा जाता है? पेट्रोलियम को द्रव सोना कहते हैं। किसी पदार्थ को जलाने पर कौन सी गैस जरूरी है? ऑक्सीजन जरूरी है। और कौन सी गैस निकलेगी? कार्बन डाइऑक्साइड विमुक्त होती है किसी पदार्थ को जलाने पर। किस ताप पर कोई पदार्थ जलता है वह क्या कहलाता है? ज्वलन ताप कहलाता है। वह मिनिमम तापमान जिस पर कोई पदार्थ आग पकड़ लेता है ज्वलन ताप कहलाता है। ऊर्जा का सबसे बड़ा प्रथम स्रोत सूर्य ही है, क्योंकि सूर्य की ऊर्जा का ही उपयोग पेड़ पौधे करते हैं प्रकाश संश्लेषण में, उसी और वही भोजन हमारे सभी का जीवन का आधार है। ऊर्जा के समय के साथ साथ समाप्त होने पदार्थ क्या कहलाएंगे? सीमित स्रोत। और जो कभी ख़त्म नहीं होंगे वो कहलाएंगे असीमित, जैसे सनलाइट है एनर्जी, सूर्य की ऊर्जा है ना, पवन ऊर्जा है, या असीमित है। सीमित में कौन आएंगे? कोयला है, LPG गैस है, या जो नेचुरल गैसेज हैं वो। ऊर्जा के सीमित स्रोत जीवाश्म स्रोत, जैसे कोयला है, पेट्रोल है, डीजल है। बायोगैस ऊर्जा जल एवं वायु ऊर्जा के कैसे स्रोत हैं? ये असीमित स्रोत हैं। बायोगैस जैसे सूर्य ऊर्जा है यह असीमित है, वायु भी असीमित है, इसलिए जैसे पवन चक्की है तो कभी ख़त्म नहीं होने वाली है वायु। यूरेनियम थोरियम किस प्रकार के? तो ये नाभिकीय न्यूक्लियर रिसोर्सेस हैं,
और भारी नाभिक के हल्के नाभिक में टूटना नाभिकीय ऊर्जा है, और इससे नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त होती है। यूरेनियम का उपयोग किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में। ऊर्जा किसे कहते हैं? तो कार्य करने की क्षमता ऊर्जा कहते हैं, और इसका जो मात्रक ऊर्जा का मात्रक क्या है? जूल है। क्या है ऊर्जा का मात्रक? जूल है। चांद और तारे दिन में क्यों नहीं दिखाते हैं? सूर्य के प्रकाश के कारण चांद और तारे दिन में दिखाई नहीं देते हैं। पृथ्वी द्वारा लगने वाले आकर्षण बल को क्या कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल। और CFL का अर्थ है कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैम्प। CFL आप सभी जानते हैं, आजकल बल्ब की जगह CFL यूज करने लग गए। अपन उत्तोलक कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के होते हैं। छाया की लंबाई सबसे कम कब होती है? दोपहर में। और सूर्य ग्रहण कब होता है? अमावस्या को सूर्य ग्रहण होता है, जबकि पूर्णिमा को हमेशा चंद्र ग्रहण होता है, याद रखना है। लंबाई का मात्रक क्या है? मीटर है। और द्रव्यमान का मात्रक क्या है? किलोग्राम। समय का मात्रक क्या है? सेकंड। और चाल का मात्रक है मीटर बटे सेकंड। चाल का मात्रक है मीटर बटे सेकंड। और ताप का ऐसे मात्रक पूछा जाए तो वो है केल्विन, ये भी याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊष्मा का मात्रक क्या है? तो कैलोरी है। और ऐसा ही मात्रक पूछा जाए ताप का तो केल्विन है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर किस विधि से जाता है? तो विकिरण विधि। इस विधि में किसी प्रकार के माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, विकिरण विधि में। चंद्र ग्रहण कब होता है? हमेशा पूर्णिमा को होता है। सूर्य ग्रहण अमावस्या को होता है। बल का सूत्र क्या है? F = ma। F = ma, यहाँ पे m क्या है? मास है, और a यहाँ पे एक्सेलरेशन है। बल का मात्रक है न्यूटन है। और इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं, प्रेशर कहते हैं। दाब बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल, फोर्स अपॉन एरिया, ये भी याद रखना है, फोर्स अपॉन एरिया। और प्रकाश किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर टेढ़ी क्यों हो जाती है? अपवर्तन के कारण। इसके पानी में रखी हुई पेंसिल मुड़ी हुई दिखाई देती है, और इसी घटना कारण तारे टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। पानी में रखी पेंसिल क्यों मुड़ी दिखाई देती है? अपवर्तन के कारण। तारे क्यों टिमटिमाते हैं? ये भी प्रकाश की अपवर्तन के कारण। अलग अलग माध्यमों से जब प्रकाश पृथ्वी पर लौटता है तो वो विचलित हो जाता है, मुड़ जाता है। लेंस कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, एक तो उत्तल लेंस और एक अवतल लेंस। और सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी में कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है? उत्तल लेंस। और स्पष्ट न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर हमारी न्यूनतम दूरी है, और अधिकतम है अनंत। 25 सेंटीमीटर के भीतर या बाहर की वस्तु स्पष्ट न दिखाई देना क्या कहलाएगा? यह दृष्टि दोष कहलाएगा। अगर 25 सेंटीमीटर से निकट के हम नहीं देख पाएंगे तो दृष्टि दोष है। और 25 सेंटीमीटर से दूर की वस्तु न दिखाई दे तो कौन सा दोष है? यानी कि 25 सेंटीमीटर से दूर की वस्तु अगर दिखाई नहीं दे रही तो वो है निकट दृष्टि दोष। इसमें नाम से पता चल रहा है, निकट दृष्टि दोष मतलब निकट का तो दिखाई देता है, दूर का दिखाई नहीं देता है, क्योंकि 25 सेंटीमीटर के भीतर न दिखाई दे रहा है। यानी कि जैसे अखबार नहीं पढ़ पा रहा है तो उसको दूर दृष्टि दोष है। यानी कि दूर दृष्टि दोष यानी दूर की दृष्टि में तो कोई दोष नहीं, पास का दिखाई नहीं देता है। ओके, निकट दृष्टि दोष के लिए किस लेंस का चश्मा? अवतल लेंस। निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस और दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस का चश्मा यूज किया जाता है। प्रकाश किरण कितने रंगों का है? वर्ण विक्षेपण। प्रकाश किरण का 7 रंगों में बटना वर्ण विक्षेपण कहलाता है, जैसे इंद्रधनुष का बनना वर्ण विक्षेपण। और इसमें 7 रंग जो है VIBGYOR, ये 7 रंगों का मिश्रण है हमारा जो सफेद प्रकाश, 7 रंगों का मिश्रण है। वेबग्योर VIBGY, वायलट इंडिगो ब्लू ग्रीन येलो ऑरेंज और रेड। तो इस प्रकार हमने बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके NMS एग्जाम्स के लिए रिलेटेड इसके आज के इस वीडियो में देखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इसी प्रकार के अन्य वीडियो आप चाहते हैं तो जुड़े इस चैनल के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।